सैम वर्सेस वाइल्ड के एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे आप देख सकते हैं, हम लोग रसल वाइपर के जो बॉर्न बेबी हैं नए, उन्हें हम लोग जंगल में छोड़ने आए हैं। आप भी अच्छे काम करिए। मेरे साथ हैं मोइन भाई, जो हमारे साथ अच्छे कामों में हमेशा हम लोग एक साथ रहते हैं। अभी आप देखेंगे, हमारे बॉर्न बेबीज रसल वाइपर रिलीज करते हैं जंगल में। कुछ बेबीज बॉर्न हुए थे रेस्क्यू के बाद, जिसको भी हम जंगल में रिलीज करने आए हैं। ये रसल वाइपर बेबीज हाईली वेनमस, इंडिया बिग फोर मैपर में इनका नंबर आता है। दोस्तों आप देख सकते हैं 35 बेबी हैं ये पूरे, जो रसल वाइपर के हैं, जिन्हें हम लोगों ने यहाँ छोड़ दिया है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये दृश्य है। आप भी जानवरों की मदद करते रहें और उन्हें मारे नहीं दोस्तों, क्योंकि जो सांप है वो विलुप्ति की कगार पर है दोस्तों। तो जब भी आपके घर में रेस्क्यू करने के लिए कोई भी अगर सांप मिलता है, तो रेस्क्यूअर को बुलाएं और उनकी सहायता लें। हर शहर में मौजूद होते हैं ये। तो मोहिन भाई, क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में आप? कुछ शब्द हमारे बोलना चाहूंगा। थोड़ा भाई समझ में, साइड होना आपने, बेबी वहां जा रहा है। मैं ये बोलूंगा, कभी भी कुछ हो आप ऊपर खड़े जाओ पत्थर पे। जी जी जी, आपको ये पत्थर पे खड़े जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए बोलिए। तो मैं ये बोलूंगा, कभी भी कोई भी जंगली जानवर हो घर के आसपास दिखे या कहीं दिखे, उसको मारे नहीं, उससे अपना एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें। जितना हो सके आप अपने आप को सेफ रखें और स्नैक्स को सेफ रखें, और ऐसे हमारा पर्यावरण बचा रहेगा। एक तरीके से हमारे दोस्त होते हैं, हम लोग दुश्मन समझते हैं कि इतना खतरनाक है नहीं है। अगर ये नहीं होगा तो हमारे घर के रेप्टाइल्स खाएंगा कौन? बाबू इतने संबंधी निवार में यहाँ पे इनको फ्री करके गायब हो जाए, इतना खतरे से खाली जगह नहीं है। दोस्तों इस वक्त आप देख सकते हैं कि रसल वाइपर के जो बेबी हैं, उन्हें हम लोगों ने जंगल में छोड़ दिया है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये बच्चे हैं, मगर उतने ही ज़्यादा डेंजर भी हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये बेबी जो है पेड़ पर चढ़ चुका है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बेबी है। करना है रेस्क्यू करा हुआ रेड स्नैक धामन, जिसको घोड़ा पछाड़ी भी बोलते हैं और जिसको उन्नला सांप भी कहा जाता है। अब आप देखेंगे, ये रिलीज कर रहा हूँ मैं। अब हम रिलीज करने आए स्पेक्टेकल कोबरा, मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगा इसको स्पेक्टेबल कोबरा क्यों बोलते हैं। आप देखेंगे इसका पीछे हुड मार्क, यहाँ पे जो होता है पीछे, ये दिखता है चश्मे जैसा। माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये नाग है दोस्तों, आप देख सकते हैं बेहद ही खूबसूरत, और उतना ही ज़्यादा जहरीला भी है ये, और उतना ही स्फूर्ति वाला स्पीड वाला है, बहुत तेज चलता है। इसको पदम भी बोला जाता है। और ये स्पेक्टेबल कोबरा, बेबी स्पेक्टेबल कोबरा, क्रॉस करना। ये स्पेक्टिकल कोबरा, आप इसके स्पेक्टिकल्स देख सकते हैं। ये इसके स्पेक्टिकल्स जो कि हुबहू चश्मे से दिखते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है नाजा नाजा। तो आपसे गुजारिश है, विनती है
कि वन्य प्राणियों की जान ना ले, ना उनको किसी प्रकार से हानि पहुंचाए। हर वन्य प्राणी की रक्षा करें जितना आपसे हो सके। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर MP, कहीं भी कोई समस्या आए आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, इस वक्त आप देख सकते हैं और भी एक बड़ा काला नाग, कोबरा जिसे बोला जाता है, उसे हम लोग आज जंगल में छोड़ने आए हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये सांप, और उतना ही ज़्यादा डेंजर भी है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है हमने सांप को छोड़ दिया है। आप देख सकते हैं इस वक्त बहुत ही खूबसूरत दृश्य है, पेड़ पे चढ़ रहा है वो इस वक्त। अपने घर में पुनर्वास में बहुत खुश है। गो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा अभी हम लोगों ने जो सांपों को पकड़ा था शहर से, उसे लाकर हम लोगों ने जंगल में छोड़ दिया है। तो मेरे साथ हैं मोइन भाई, लेते हैं अलविदा। बने रहे हमारे साथ वीडियो में अगले वीडियो तक। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखिए और अपने जंगल को ध्यान रखिए।